नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, बरेली जिले के फतेहगंज क्षेत्र के भोलापुर गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक साल के बच्चे ने घर के आंगन में खेलते हुए सांप को निगल लिया। यह घटना शनिवार शाम की है। खबरों के मुताबिक लड़के ने सांप को थोड़ा सा काट लिया था और जब उसकी माँ ने उसके मुँह में कोई वस्तु देखी तो उसने उसे आंशिक रूप से निगल लिया था। जब माँ ने उसे बाहर निकाला तो देखकर हैरान रह गई कि यह एक सांप था। लड़के को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लड़के के पिता धर्मपाल 6 इंच लंबे मरे हुए सांप को अपने साथ अस्पताल लेकर गए। चिकित्सा अधिकारी हरीश चंद्र ने कहा कि लड़के को एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया और उसे आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार यह एक क्रैट हैचलिंग करैत सांप था, जो बेहद जहरीला होता है, लेकिन समय पर इलाज हो जाने के कारण बच्चा खतरे से बाहर है। लड़के के पिता धर्मपाल एक किसान हैं। उन्होंने संवाददाताओं को बताया, मेरी पत्नी सोमवती ने देवेंद्र के मुंह में कुछ देखा और जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह डर से चीख पड़ी, क्योंकि यह एक छोटा सा सांप था जो जल्द ही मर गया। वरिष्ठ IFS यानी भारतीय वन सेवा अधिकारी रमेश पांडे ने कहा कि क्रेट हैचलिंग और आम वुल्फ सांप अक्सर समान दिखते हैं। उनकी स्किन के एक जैसे पैटर्न के कारण उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। क्रेट हैचलिंग के काटने से इंसान की मौत हो सकती है, लेकिन वुल्फ घातक नहीं होता है। लड़के को एंटी वेनम देने में कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है।